जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आज मेरे साथ हैं मेरे बड़े भाई अग्रज भाई तुफैल जी चतुर्वेदी। तुफैल भाई, राम राम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। दर्शकों, आपको पता है कि आज हम जो दादरी में जो घटना हुई है उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं और मैंने तुफैल भाई को विशेष तौर पे आमंत्रित किया है कि आप हमारे साथ आइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मैं आपको तुफैल भाई के बारे में बता दूं कि आप बहुत सालों से एक संस्था, एक ट्रस्ट चला रहे हैं जिसका नाम है न्याय मंच, और जितने भी हमारे हिंदू योद्धा, गौरक्षक एवं अन्य जो भी हिंदू योद्धा हैं जो कि कानूनी पचड़ों में फंस जाते हैं, आप उनको टेक्निकल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, मॉरल सपोर्ट, पूरा सपोर्ट करते हैं। तुफैल भाई, स्वागत है आपका चैनल पे। तो तुफैल भाई, घटना तो आपको पता ही है, कृपया पहले घटना के बारे में बताएं। दादरी में एक गांव है, बाढ़ड़ा क्षेत्र है, वहां पे कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या कबाड़ का काम करते थे और वहां पे स्थानीय बजरंग दल और गौरक्षा दल एक मिनट सर, ये बीच में अचानक चल पड़ा वो ट्विटर वाला। तो मैं बता रहा था सर कि वहां पे वो कबाड़ का काम करते हैं और उनका सरगना है अहमद भाई करके, और उसको संरक्षण है वहां की एक स्थानीय डॉक्टर है, हिंदू है वो भी, वो इस पूरे गिरोह को संरक्षण देती आ रही हैं। कल परसों भी वो उनके सहयोग में खड़ी थी और उनको उन्होंने मौके से भगा दिया, उनका भी नाम बीच में आ रहा है। तो ये लोग वहां पे, इनका एक गैंग ऑपरेट करता है जो कि जिसका सरगना मैंने कहा ये अब्दुल करके, अब्दुल अब्दुल सर अब्दुल अब्दुल, अच्छा। तो वो ये जितने भी ये कबाड़ बीनने वाले हैं, इनका काम है खाली ये देखना कि किस इलाके में परित्यक्त गौवंश, जो बेचारा बेसहारा जंगलों में घूम रहा है, खेतों में घूम रहा है और सबके लाठी डंडे खा रहा है। लोग ने इनको आवारा पशु कहते हैं, मैं कहता हूं नहीं भैया, आवारा पशु नहीं है, ये बेचारे परित्यक्त हैं, तुमने इनको दुह के इनका त्याग कर दिया और इनके हिस्से का गौचर तुम हड़प गए, तुमने अपने खेतों में बिजली की झटका मशीन लगा ली, इनकी जमीन पे, इनके लिए सरकार ने गौचर छोड़े हैं, इनकी जमीन पे तुम खेती कर रहे हो और अपने खेतों में तुमने झटका मशीनें लगा ली, जब तक इनका दोहन कर सकते थे दोहन किया, फिर इनको सड़कों पे छोड़ दिया, इसलिए ये आवारा कैसे हुए, ये तो बेचारे परित्यक्त हैं, इनको एक तो आवारा कहना बंद करिए, मुझे इस वोकैबुलरी से बड़ी आपत्ति रही है शुरू से। तो इन बेचारे परित्यक्त जानवरों की ये रेकी करते थे और फिर रात के टाइम पे इनको भर के, गाड़ियों में भर के, और इनको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और यहां तक कि राजस्थान तक के एरियाज में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां सप्लाई कर दिया जाता था, और वहां इनको रातों रात स्लॉटर करके इनको, इनका कंजम्पशन हो जाता था, और इसमें एक बहुत बड़ा नेक्सस इन्वॉल्व है। तो इसके लिए सर उस पूरे इलाके में गौरक्षा दल बना रखे हैं लड़कों ने, मैंने खुद उनको अपनी आंख से ऑपरेट करते देखा है, और रात रात भर वो हाईवेज पर ड्यूटी देते हैं और हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक करते हैं। तो इस पूरे गिरोह की शिकायत मिल रही थी कई दिनों से, और ये लड़के पुलिस के संपर्क में थे, सबसे बड़ी बात कि साहब यहां से गौ की तस्करी हो रही है, गौवंश की, और आप एक्शन लीजिए। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उल्टा वो जो डॉक्टर है उनका नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, वो उनको संरक्षण दे रही थी, बाकी लोकल कुछ कांग्रेसी नेता है वो उनको संरक्षण देते हैं। तो सर इस चक्कर में वो मारपीट हुई और उसमें एक लड़के की मृत्यु हो गई। तो सर ये घटना, उसमें आठ बच्चे, आठ युवक
जिसमें 2 जुवेनाइल हैं सर और 6 एडल्ट हैं। उनको अब तक पुलिस ने राउंड अप किया है, 2 को जो है वो बाल संरक्षण गृह में भेजा गया है, 5 भिवानी जेल में बंद हैं और 1 लड़के को कल शाम को अरेस्ट किया गया। तो आज सुबह उसके चाचा का मुझे फोन आया था कि साहब वो SHO अभी हमने मिलने नहीं दे रहा है, अभी हमारा बच्चा जो है उसका नाम शायद मोहित है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, यस मैंने नाम नोट किया था, हाँ मोहित सांगवान, वो उसको अभी थाने में रखा हुआ है, अभी कोर्ट में पेश नहीं किया था। कुल मिला के अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, ये स्थिति है सर। मैं रामदास जी इसको थोड़ा अतीत से इस विषय पर बात करना चाहूंगा, थोड़ा समय लेना चाहूंगा। जी सर जी प्लीज प्लीज सभी दर्शकों का जी, हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश ये 3 मूलतः क्षेत्र इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं या होंगे। तीनों प्रांतों में गौ हत्या, गौ वंश की हत्या वर्जित है, गैर कानूनी है। उसके बावजूद मेवात के क्षेत्र में जिसमें थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान में लगता है जो यूपी से टच होता हुआ निकलता है और हरियाणा में तो है, वहां गौवंश की हत्या होती है, गौवंश मारा जाता है और भी ऐसे काम कई प्रांतों में होते हैं, इसका कारण क्या है। मैं अतीत से आपसे बात करना चाहूंगा। एक लखनऊ के पास में बहुत मशहूर मदरसा है, बहुत बड़ा, देवबंद के टक्कर का, नदवातुल उलूम। तो नदवे का मौलाना अली मियां मर गया, अब तो ये हज के लिए गया था या कुछ और काम था अरब में, वहां उसने इससे खुतबा देने के लिए कहा गया, बहुत बड़ी सभा हुई जिसमें ये इसने भाषण दिया। तो उसमें उसने कहा कि इस्लाम में गौकशी के लिए कोई खुला हुक्मनामा नहीं है, जैसे कि आपको गौ मारनी है उसकी हत्या करनी ऐसा नहीं है, मगर हम चूंकि गौकशी के कारण काफिरों को और मुशरिकों को तकलीफ पहुंचती है, इसलिए हम हिंदुस्तान के मुसलमान गौकशी करना जारी रखेंगे। सिखों में एक वर्ग है कूके, नामधारी कहलाते हैं, कूका विद्रोह हुआ है ब्रिटिश पीरियड में पूरा, और गौ हत्या करने वालों का वध करने के आरोप में कूकों को तोपों से उड़ाया गया, अंग्रेजों ने तोपों से उड़ाया। हरियाणा में ऐसे 10-20-50 गौकशी के केंद्र थे, कत्लखाने थे जहां गायें काटी जाती थी, उनके मारने वाले हत्या करने वाले हमेशा मुसलमान होते थे और मालिक उसके अंग्रेज होते थे, इसका पूरा एक बड़ा मोटा रिकॉर्ड। धर्मपाल जी जो प्रसिद्ध गांधीवादी हैं, वो RSS बीजेपी की नहीं है, उनकी किताब है इस पर मोटी, और उसमें विवरण है कि कहां कहां, क्योंकि ये जो ब्राह्मणी काऊ है सफेद चमड़े वाली गाय, इसे होलिस्टर बनाने के लिए रिवॉल्वर पिस्टल के कारतूस रखने की बेल्ट बनाने के लिए, चमड़े की बेल्ट बनाने के लिए गौ हत्या करने के सिस्टम बनाए थे अंग्रेजों ने, और कसखाने बने हुए थे, उनमें जो कसाई होते थे मुसलमान होते थे। हमारे मुगल पीरियड में और उससे पहले जो सल्तनत के काल हैं उसमें हजारों घटनाएं हैं जब गौ हत्या करने पर आवादा मुसलमानों को हमने मारा, हमने उनके वध किए, या हमने गर्दनें दी, गाय कटने से पहले हमने गर्दनें कटवा ली मगर गाय अपनी जीते जी नहीं काटी। ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और एक छोटा सा निवेदन, 1857 की जो क्रांति है, संघर्ष है, विप्लव है, जो नाम लेना चाहे, उसका प्रारंभ ही गौ की चर्बी लगे हुए कारतूसों से। इसमें एक बात ध्यान करने की है, इसमें एक बहुत धूर्तता का मामला है, इसको कोर्स में गौ और सुअर की चर्बी बताया जाता है, ये सिरे से बकवास है। गौ की चर्बी इसलिए उपलब्ध थी कि कत्लखाने थे, सुअर की चर्बी कहां से मिलती, सुअर बेसिकली मीट किसका है। तो भारत में केवल आज भी सुअर वाल्मीकि समाज जो है वो सुअर का मांस खाता है। 1857 में सुअर का मांस खरीद के खाने की क्षमता वाल्मीकि समाज में थी क्या? आम आदमी की हालत बुरी थी, वाल्मीकि समाज तो बहुत ही पिछड़ा हुआ वर्ग था, वो सुअर पालते हैं तो सुअर की चर्बी मिलती कहां से? ये सुअर की चर्बी कांग्रेसियों और वामपंथी इतिहासकारों की खोपड़ी से निकली है, क्योंकि ये मूलतः सुअर है, इन्होंने अपने दिमागों से इस चर्बी निकाल दी है।
1857 में जो कारतूसों पर चर्बी लपेटी जाती थी, पार्चमेंट था, वो गऊ की चर्बी का था, सुअर की चर्बी का कहीं कोई उल्लेख नहीं, कोई पिगरी नहीं उपलब्ध। अंग्रेजों का जो फौज का रेजिमेंट का बड़ा खाना होता था, उस दिन एक सुअर रोस्ट कर दिया जाता था। अगर सुअर बाजार में मीट आएगा तभी तो चर्बी मिलेगी, तो मीट किस लिए आएगा, कोई खरीदने वाला होगा तभी तो होगा। आप बाजार में भारत में गेंडे का मांस नहीं मिलता, ऊंट का मांस नहीं मिलता, हाथी का मांस नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि हाथी का, गेंडे का, ऊंट का मांस नहीं मिलता, अफ्रीका में मिलता है, वहां बिकता है, क्रोकोडाइल का मांस दिया जाता है खाने को, भारत में नहीं मिलता क्योंकि यहाँ बिकता नहीं, बिकेगा नहीं तो उसका प्रोडक्शन कोई क्यों करेगा। तो ये 1857 की लड़ाई का प्रारंभ केवल गाय की चर्बी के लगे हुए कारतूसों को मुंह से खोलने के कारण हुआ, ये इतिहास है। हम गौ हत्या करने वालों की जान लेंगे और अपनी जाने देंगे, हमारे बस का नहीं होगा, ये हमारी परंपरा है, इसमें जरा सा भी संकोच। देखिए निश्चित रूप से गौ हत्या करने वाले का वध करेंगे तो 300 तो लगेगी, क्योंकि कानून है, वेद का आदेश है, राजा गौ हत्या करने वाले का वध कर दे, बिल्कुल स्पष्ट आदेश है। मगर इस समय वैदिक कानून नहीं चलता भारत में, संविधान है, संविधान की जो व्यवस्था होगी 302 लगेगी, 307 लगेगी, जो भी होगा, मगर हम अपनी परंपराओं से नहीं हिल सकते। ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी आपको भारत में, बल्कि कई समाजों में अब तो वो एक पाकिस्तान का वाकया है ना कि पति पत्नी ने तलाक लिया, तलाक लेने के बाद शौहर चलने लगे, बोले बेगम अब इजाजत दो, अब हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं रहा। बोले क्यों नहीं रहा, मुन्ना बाप को मामू कहेगा, कल तक आप उसके बाप थे, अब उसके मामू हो गए, पुराना वाला रिश्ता। मगर हम में, हिंदुओं में, कजन से, बुआ की लड़की से, मौसी की लड़की से, मामी की लड़की से, चाची की लड़की से, ताए की लड़की से शादी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि इसका विकल्प ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता, इक्का दुक्का कहीं कुछ होगा। तो हमारी जो परंपराएं हैं उससे हम गवर्न होते हैं, और इन परंपराओं का कोई उपहास उड़ाएगा, इनके खिलाफ कोई काम करेगा, इनको किक करेगा, इनके इन इनसे विरोध में कुछ ऊट पटांग काम करेगा, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उसके लिए हैं, उसे भुगतने पड़ेंगे। हरियाणा में गौ तस्करी रोकने के लिए जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, आर्य समाज के लोग उसमें वहां काफी सक्रिय हैं, गौ रक्षक दल हैं, बहुत सारे हैं, मेवात में भी होकर चुका है ये सारा संघर्ष। तो कुल मिलाकर जो लोग गौ तस्करी करते हैं और गौ वध करते हैं, गौ हत्या करते हैं, उनको इस बात का ध्यान स्वयं करना होगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मुझे अपने घर के अंदर साउंड चलाने का, पार्टी करने का अधिकार है, रात के 2 बजे फुल वॉल्यूम में मैं धमाधम धुआं धूं करूंगा, धमा चौकड़ी मचाऊंगा, तो अगर मेरा फ्लैट है तो पड़ोस के फ्लैट वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला हल्ला करेगा ना, सुन देगा कि नहीं, यही होता रहेगा। तो अधिकार है अपने घर के अंदर, मगर इसकी मर्यादा ये है कि अगर हम मुक्का चलाएं तो दूसरे की नाक बीच में ना आए। अगर नाक बीच में आ रही है तो नाक जिसकी बीच में आ रही है वो पलट के ईंट मारे, इसका उसको अधिकार है। तो इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये पाप किया, दुष्टता की, तो ये होगा। अब रहा सवाल कि इसमें आप और मैं, हम कहां आते। ये लोग वो हैं जिन्होंने वो कार्य किया कि इनकी जगह हम होते तो हम भी करते। गौ रक्षा हमारा धर्म है। तो ऐसे लोग अब जो 2 जुवेनाइल कोर्ट में धर लिए गए, 2 ऐसे बच्चे जो 18 से कम के, उनको जेल में डाल दिया गया, कहीं बाल संरक्षण गृह में डाला गया, और 6 लोग और जेल में, या 5 लोग जेल में, 1 और जेल में आएगा। इनका मुकदमा लड़ना किसकी जिम्मेदारी? इनकी पर्सनल गाय थी क्या? नहीं। इनके घर में से किसी की, इनके पड़ोस की किसी ने गाय खोली? नहीं। इनका बैल खोल लिया? नहीं। फिर ये लोग क्यों जूझ रहे हैं? ये राष्ट्र की जो मान्यताएं हैं, हम सबकी जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को पालन करने के लिए और ऐसा न हो इसके लिए अपनी रातें हराम कर रहे हैं। ये हाईवे पे खड़े हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, ट्रक चेक करते हैं। हर आदमी को दाल रोटी कमानी होती है ना, जीवन चलाता है व्यक्ति, उसके बावजूद ये उसमें से राष्ट्र की मान्यताओं के लिए कार्य कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आक्रमण करने वाली मानसिकता केवल इसलिए कर रही है कि काफिरों को, मुशरिकों को तकलीफ पहुंचती है, इसलिए इन्हें तकलीफ दो। तो इनकी चिंता, इनकी जमानत, इनको संरक्षण, इनके परिवार वाले भूखे प्यासे तो नहीं है, इनका भाई छोटा
उसको उसके स्कूल में फीस चली गई कि नहीं, उसके घर की बिजली का बिल गया कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी किसकी? राष्ट्र की जिम्मेदारी है, हमारी आपकी जिम्मेदारी है। आखिर हम जो YouTube पर या सोशल मीडिया पे लोग गरज रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो लोग तैयार हो रहे हैं और वो पौरुष व्यक्त करेंगे, तो उनके साथ कौन खड़ा होगा? या केवल हम YouTube से पैसे ही कमाते रहेंगे और कोई काम नहीं है? जैसे कोई पेट्रोल बेचता है, कोई दुकान चलाता है, किराने का काम करता है, कोई सी है, कोई डॉक्टर है, कुछ है, ऐसे ही काम YouTube भी है, इससे भी तो धन मिलता है, तो क्या हम यही काम करेंगे? ऐसे कामों में समाज को सामने आना चाहिए, यह अनिवार्य कार्य। तो जरा तुहेल भाई, मैं चाहूंगा कि आप न्याय मंच के बारे में दर्शकों को बता दीजिए थोड़ा सा, और न्याय मंच कब से कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है? मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं आपके साथ दादरी गया था, वो उत्तर प्रदेश वाली दादरी बिसहाड़ा गांव, और वो 18 बच्चे जो उस केस में एक्यूज थे, जिसमें से शायद 8 आज भी जेल में है, सिर्फ मात्र 10 की ही जमानत हुई है। और मुझे याद है जब आपने प्रथम उनको पहला आर्थिक सहायता का चेक उन घरों में पहुंचाया था, मुझे वो दृश्य आज भी भूलता नहीं है। और न्याय मंच तब से लेकर आज तक लगातार सक्रिय है, और ऐसे सैकड़ों हिंदू योद्धाओं को, धर्म योद्धाओं को आप न सिर्फ आर्थिक बल्कि मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। प्लीज जरा न्याय मंच की एक्टिविटीज के बारे में दर्शकों को बता दीजिए, और फिर हम ये बताएंगे कि हम आज चरखी दादरी के इन धर्म योद्धाओं के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। प्लीज देखिए, बिसाड़ा की जिस घटना का उन्होंने जिक्र किया, अखलाक ने बछड़ा मार के जो नंदी बनने के लिए छोड़ा था गांव के लोगों को, ये कह के ईद के मौके पे कि बकरी की कुर्बानी की खिला दिया, मांस पता लगता है, मगर उनको जो खाते हैं, जैसे किसी ब्रिटिश को लौकी का, गोभी का, तोरी का, गाजर का, मूली का स्वाद बहुत कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो मूलतः मांसाहारी लोग हैं। हर सब्जी का अपना टेस्ट, अपनी महक होती है, ऐसी हर प्रकार के मांस की महक अलग होती है। तो बीफ में बछड़े का मांस और बकरे का मांस का अंतर कभी कभार मांस खाने वाले नहीं पहचान सकते। ऐसा हुआ, और फिर जब मालूम पड़ा कि ये बछड़ा मार खिला दिया, लोगों ने उसे मारा पीटा। डेढ़ हड्डी का आदमी था, कोई बहुत ईंटे मारे हों, पत्थर मारे हों, चाकू मारे हों, लाठियों से मारा हो, गोली मारी हो, ऐसा नहीं, बस थप्पड़ मारने से प्राण निकल गए। 18 लोग जेल में थे रहे। ऐसे तब से न्याय मंच का प्रारंभ हुआ, और हम लोगों ने उस समय इन 18 वीरों को, मैं इस शब्द को रेखांकित करना चाहता हूं, 18 वीरों को एक एक लाख रुपए की तुच्छ सेवा, और मुकदमा लड़ने के लिए उनके जो खर्च हुए थे, तो संजय राणा को 1,64,000, क्योंकि वो लीड कर रहे थे मुकदमे के केस को, बाद में काफी चीजें पता लगी हूं उनके बारे में भी और भिन्न प्रकार की, मगर कुल मिलाकर 19,64,000 रुपए एकत्र करके दिया, और ये 1.25 महीने में हो गया था। राष्ट्र ने किया, खूब समाज ने किया। तो ऐसे लोगों की, देखिए, हम लोग मॉरल सपोर्ट दें, फाइनेंशियल सपोर्ट दें, ये सहज है। कानूनी लड़ाई एक ऐसी चीज है, जैसे आज चरखी दादरी का मामला है, कल को पता लगा पटना का मामला है, रांची का मामला है, या झारखंड में कहीं कोई क्षेत्र है, या बंगाल का कोई क्षेत्र है, या हरियाणा का कोई क्षेत्र है, तो हम कहां कहां भागेंगे? पहुंचेंगे निश्चित रूप से, जो हमको मीडिया के जरिए से पता लगता है, ऐसी घटनाएं जो हम पता ही नहीं लगती, वहां तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोगों को आर्थिक रूप से उनकी सेवा देते हैं, और उसका तरीका ये है कि, और ये नियम है ट्रस्ट के, ट्रस्ट बनाया इसीलिए गया है कि जिन लोगों ने ये इसमें दोषी हैं या जिन लोगों पर आरोप है, FIR की कॉपी, फिर वो उन वीरों का आधार कार्ड आगे पीछे से, जिससे उसमें अगर राम सिंह नाम है तो राम सिंह का आधार कार्ड है और वल्दियत लिखी है, तो उससे लिंक बन गया। फिर राम सिंह की पत्नी को धन देना है या पिता को, अगर उसकी पत्नी है तो पत्नी के आधार कार्ड में राम सिंह का नाम है तो वो दे दें, और एक एप्लीकेशन की न्याय मंच के नाम हमें, और उसके बाद तुरंत हम बैंक की डिटेल दे दें, तुरंत बैंक से ट्रांसफर कर देंगे। अगर पत्नी नहीं है तो पिता का ये विवरण, जिससे राम सिंह उनका बेटा साबित होता, और एक एप्लीकेशन हमारे पास न्याय मंच कि मेरे बेटे को ऐसे ऐसे केस में फंसा दिया गया है, मेरे पास मुकदमा लड़ने के साधन नहीं, कृपया मेरी सहायता की जाए, तुरंत
लाख रुपया नॉर्मली देते हैं, मगर अब इतने पैसे हमारे पास है नहीं। 50,000 देने में भी, जैसे अभी मेवात में हुआ, मेवात में 5 लोग थे, मोनू मानेसर इत्यादि, तो उसमें से 3 लोगों ने हमें कहा, तो हम 1-1 लाख रुपए दिया। ये बात भी हो गई कोई साल भर की, या थोड़ा उससे कुछ कम होगा, मगर 7-8-10 महीना। अभी महीना भर पहले पता लगा कि उसमें 52 लोग दे रख दिए गए। यानी हरियाणा की जो गौ रक्षक टीम है सबके नाम उसमें डाल दिए गए। तो इतना पैसा ही नहीं हमारे पास, तो हमने उनसे निवेदन किया कि भाई 50,000 की स्वीकृति दो। उन्होंने कहा ठीक है दीजिए, क्योंकि उनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ठेला लगाते हैं, दिन में सब्जी बेचते हैं या जलेबी बेचता है कोई गरीब, उसके खिलाफ वारंट है, वो फरार हो गया, उसके पास कुछ साधन नहीं है। तो ऐसे 47 लोगों को कुल सेवा दी, 3 लोगों को तो 1-1 लाख, उसके अलावा 44 को 50,000, यानी 22 लाख रुपए उन लोगों को दिए। अब हाथ खाली हो गए, जेब खाली हो गई, फिर भी कोई समस्या नहीं, करेंगे, हाथ पैर मारेंगे। तो इसके लिए मगर समस्या ये है कि न्याय में ट्रस्ट है, और ट्रस्ट के लिए प्रत्येक डोनर का आधार कार्ड दोनों ओर से और पैन कार्ड आवश्यक है, तब हम चेक से पैसा ले सकते हैं। तो इसमें आपके साथ भी समस्या है कि अब कितने, कुछ लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं कि भाई हम 1,000 रुपए दे सकते हैं, 2,000 दे सकते हैं, 500 दे सकते हैं, 5,000 दे सकते हैं। तो 500 वाले और 200 लोगों ने अगर कर दिया तो आए तो 10,000, और रसीदें कितनी काटनी पड़ेंगी, हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इस केस के लिए मैं आपसे स्पेशली विनती करता हूं कि रामदास जी का अकाउंट नंबर ले लीजिए, उनके खाते में पैसा डाल दीजिए। जिसने अगर 5,000 से अधिक करना है तब हमसे ले लीजिए न्यायमंच का, तो आधार कार्ड पैन कार्ड हमारे पास अनिवार्य है, अन्यथा इनके खाते में कैश डाल दीजिए, आप ये चेक से डाल दीजिए, और ये एक इकट्ठी राशि न्यायमंच को भेज देंगे, और हम चेक से उनका आधार कार्ड पैन कार्ड उनकी नाम रसीद काट देंगे, और वो लिंक हो जाएगी, पता लग जाएगा कि इतना अमाउंट आया कि 15,000 आए, 20,000 आए, 5,000 आए, 50,000 आए, जो भी आए उतना हम काट के दे देंगे। और निश्चिंत रहिए, इन आठों बच्चों के पास 50,000 हम देंगे ही देंगे, हमको सिर्फ उनके दोनों बच्चों के आधार कार्ड आगे पीछे से, और उसके अलावा उनकी पत्नी या उनके पिता के आधार कार्ड की कॉपी और एक एप्लीकेशन चाहिए, और एक अनिवार्य कार्य जो करते ही हैं कि जो भी हमें कर जाएगा, और 4-6 लोग जाएंगे, रामदास जी भी होंगे, ये वानप्रस्थी, इसके बावजूद उनके पिता और माँ की पैर छूकर कि भगवती ये राशि राष्ट्र की ओर से स्वीकार कर, उनको घर उनको थाने में जाके जेल जाकर लोग बताएं कि आज ऐसे लोग आए थे बड़ी बड़ी गाड़ियों से और हमारे पैर छू के पैसे देकर गए, उनके आंखों में दिए जलने चाहिए कि उन्होंने धर्म के लिए श्रेष्ठ काम किया। क्योंकि तो राष्ट्र की मानसिकता को, मान्यताओं को, परंपराओं को ध्वस्त करने वाले, आक्रमण करने वाले कुचले नहीं जाएंगे, उनके मुंह रगड़े नहीं जाएंगे तब तक स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। सूत्र वाक्य है ये, पौरुष का कोई विकल्प नहीं होता, और पौरुष की कीमत अदा करनी पड़ती, अदा करनी। मैं दर्शकों की सूचना के लिए बता दूं, मैं तुफिल भाई आपके सामने, कि अब तक मेरे पास जो राशि आई है आज सुबह से लेकर अब तक, नरोत्तम कुमार शर्मा जी ने 1,000 रुपए भेजे हैं, अतुल सिंह जी ने 500 भेजे हैं, कृष्ण कुमार जी ने 1,000, वीर रविकांत वाघ जी ने 500, भूषण भट्ट मलमोह 500 रुपया, दुष्यंत भाई ने 501, मनीष बिस्ट जी ने 1,001, इसके अलावा सतबीर सिंह जगलान जी ने 10,000 रुपया, धीरज दागा जी ने 2,100 रुपया, और उल्का पाटिल जी हैं मुंबई से, उनका 5,000 रुपया प्राप्त हुआ है। ये मैं टोटल राशि आपको करके मैं बता दूंगा। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जैसा कि तुफैल भाई ने बताया कि छोटे छोटे अमाउंट न्याय मंच को लेने में दिक्कत है, या उनको आधार और पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, बीइंग अ ट्रस्ट बहुत सारी जो आपको मालूम है बहुत सारे कानूनी पचड़े होते हैं, तो मैं आज अपना अकाउंट नंबर पर्सनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी पैसा आएगा मैं अपना आधार और अपना पैन कार्ड लगा के न्याय मंच में एकमुश्त एक राशि जमा कर दूंगा, और जैसा कि तुफैल भाई ने कहा है कि न्याय मंच उनको न्यूनतम अभी फिलहाल 50,000 रुपया प्रति व्यक्ति, तो अभी
एफआईआर में भाई साहब पर चार ही लोगों का नाम है, अब तक आठ पकड़े गए, तो मुझे लगता है कि वो एडिशनल वो चार्जशीट में जाएंगे वो, या छोड़ देंगे या क्या होगा, उसको हमको देखना पड़ेगा। चार को तो तुरंत अभी दे देते हैं, आप उनकी एफआईआर की कॉपी ले लीजिए, आधार कार्ड। हाँ, वो एफआईआर की कॉपी आ गई मेरे पास, ये ले लीजिए, ये सारे कागज ले लीजिए और मुझे समय बताइए, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। ठीक है भाई साहब, मैं पहुंच जाऊंगा, कोई बात नहीं। एक निवेदन दाताओं सहयोगकर्ताओं धर्म के लिए, आप अपने आप गणना कीजिए वर्ष भर की, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पूरे वर्ष की आर्थिक गणना स्वयं कीजिए, जितना टोटल कमाते हैं उसका 1% दीजिए, 1% जी, इससे अधिक नहीं, इससे कम नहीं, गणना स्वयं कीजिए। मैं 10 लाख कमाता हूं, 10,000 दीजिए, 10 करोड़ कमाता हूं, 10 लाख दीजिए, 1% का ध्यान रखिए। ये धर्मांश है, ये हम पर टैक्स है, ये हिंदू जजिया है, हमें देना ही है। अगर ये नहीं करेंगे, और कल्पना कीजिए इन सारे बच्चों के घर वालों को 10-10 लाख रुपए पहुंच गए, मुकदमा लड़ेंगे जो कुछ होगा, हरियाणा में कितने लोग खड़े हो जाएंगे कुछ अंदाजा है? हरियाणा के गांव से भी गौ तस्करी का कोई ट्रक नहीं निकल सकेगा। ये 10 लाख रुपए लोगों को प्रेरित करेंगे कि बिल्कुल सीधे सीधे, कोई विकल्प नहीं जी। आप हमारी मान्यताओं को ध्वस्त करेंगे, हम आपको बख्शेंगे नहीं, हम कानून नहीं तोड़ना चाहते, मगर आप कानून तोड़ेंगे। और फिर समस्या क्या आती है कि ये सब काम पुलिस के थाने कचहरी से मिलकर होते हैं, सबके हवाले बंधे होते हैं, पैसा बंधा होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता इन पर छापा मारने, तो फिर हम मारेंगे। राष्ट्र की समस्याओं का समाधान राज्य नहीं करेगा तो राष्ट्र स्वयं करेगा। तो फल भाई आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं दर्शकों को बैंक डिटेल्स भेज दूंगा और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप स्वयं इन हिंदू धर्म रक्षकों के लिए सहयोग करें, आगे आए, उनको मॉरल सपोर्ट दें और अपने सभी दोस्त मित्र रिश्तेदारों को भी प्रेरित करें कि वो इस पुनीत कार्य में अपनी भागीदारी, इस यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य प्रदान करें। ये हिंदू धर्म के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। तो फल भाई आपको और न्याय मंच को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंदू राष्ट्र।